Dear brothers and sisters, may the Lord bless you according to Psalm 111:2. प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु आपको आशीष दे। भजन संहिता 111 के 2 के अनुसार। Here the Bible says, "Great are the works of the Lord." यहाँ बाइबल कहती है कि महान है प्रभु के कार्य। They are pondered by all who delight in them. जो उनसे प्रसन्न रहते हैं, वे उन पर विचार करते हैं। These works are not simply good. ये कार्य केवल अच्छे ही नहीं। They are great. लेकिन ये महान भी है। They are great in size, great in number, and great in excellence. वे आकार में महान है, संख्या में महान है और उत्कृष्टता में महान है। That's why David said in Psalm 104:24. इसलिए दाऊद ने भजन संहिता 104 के 24 में कहा, How many are your works, Lord? In wisdom you made them all. The earth is full of your creatures. हे यहोवा, तेरे कितने काम हैं? तूने उन सब को बुद्धि से बनाया है। पृथ्वी तेरे प्राणियों से भरी है। If we ponder about the works of God, it will be so marvelous. यदि हम परमेश्वर के कार्यों पर विचार करें, तो ये कितना अद्भुत होगा। In Psalm 104:13, the Bible says. कुछ तो 104 और 13 में बाइबल कहती है कि The Lord waters the mountains from his upper chambers. यहोवा अपने ऊपरी कक्षों से पहाड़ों को सींचता है. The land is satisfied by the fruit of his work. भूमि उसके कर्मों के फल से तृप्त होती है. Can a man water the high mountains? क्या मनुष्य ऊंचे पहाड़ों को सींच सकता है? God himself does this. ऐसा परमेश्वर स्वयं करता है. And that's why the land is satisfied by the fruit of his work. और इसीलिए भूमि उसके कर्मों के फल से तृप्त होती है. The same thing happens in our lives also. हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है. When God blesses us, we are fully satisfied. और परमेश्वर हमें आशीर्वाद देता है कि हम पूरी तरह से संतुष्ट रहे। Many times we forget that he has worked in our lives. कई बार हम भूल जाते हैं कि उसने हमारे जीवन में भी काम किया है। We take things for granted. हम चीजों को हल्के में लेते हैं। But then when we constantly remind ourselves that God answers our prayers. लेकिन तब जब हम लगातार खुद को याद दिलाते हैं कि परमेश्वर हमारे प्रार्थना का जवाब देते हैं। When we believe in the impossible. जब हम असंभव में विश्वास करते हैं। That's when the miracles happen. तभी चमत्कार होते हैं। My mom believed that God will certainly answer her prayer. मेरी माँ को विश्वास था कि परमेश्वर निश्चित रूप से उनकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। But the things that happened around her felt so impossible. लेकिन जो चीजें उनके आसपास घटित हुई, वे उन्हें बहुत असंभव लगी। But then my mother did not leave God. लेकिन तब मेरी माँ ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। She was praying for the transformation of my father for long years. वह कई सालों से मेरे पिता के परिवर्तन के लिए प्रार्थना कर रही थी। Then one day she said, "Let me give one of my 4 children to serve the Lord." फिर एक दिन उसने कहा, मुझे अपने 4 बच्चों में से एक को सेवा करने में परमेश्वर को सौंप देना चाहिए। But then the Lord took me to serve the Lord. लेकिन तब यहोवा ने मुझे यहोवा की सेवा करने के लिए चुना। I myself is a miracle. मैं खुद ही एक चमत्कार हूँ। I couldn't believe what God did in my life. मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया। I couldn't believe the miracles that are happening through my ministry. मैं उन चमत्कारों पर विश्वास नहीं कर सकती थी जो मेरी सेवकाई के द्वारा हो रही थी। Of course, the Lord did transform my mother's husband. That's my father. बेशक परमेश्वर ने मेरी माँ के पति के दिल को बदल दिया। And added to that, the Lord chose me to serve the Lord. और ये भी जोड़ा कि प्रभु ने मुझे प्रभु की सेवा करने के लिए चुना। Will not the Lord do miracles in your life also? क्या प्रभु आपके जीवन में चमत्कार नहीं करेगा? He will certainly answer your prayers. साथ ही वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य देगा।
बी ग्लैड एंड रिजॉइस इन द लॉर्ड, यहोवा में मगन और आनंदित रहिए, एंड कीप पॉन्डरिंग ओवर द वर्क्स ऑफ द लॉर्ड, और यहोवा के कर्मों पर मनन कीजिए, यू विल बी सैटिस्फाइड, आप संतुष्ट होंगे, यू विल सी अ मिरेकल, आप एक चमत्कार देखेंगे. Father, bless your people today. पिता आज अपने लोगों को आशीष दे. Great are the works of you, O God. महान परमेश्वर, परमेश्वर आपके कार्य ही महान है. Father, nothing is impossible unto you, O God. पिता आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है पिता. Whatever your children are praying even now, Lord, grant all their heart's desire and answer their prayers, Lord. आपके बच्चे अब भी जो कुछ भी प्रार्थना कर रहे हैं, उनके सभी हृदयों की इच्छा पूरी करे और उनके प्रार्थनाओं का उत्तर दे. They may be praying for their family members or relatives or their loved ones. Father, answer their prayers concerning them, Lord. पिता वे अपने परिवार के सदस्य या रिश्तेदारों या अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे. हे पिता, उनके विषय में उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे प्रभु. Let a miracle happen today. आज एक चमत्कार होने दे. Let salvation come into their home today. आज उनके घर में मोक्ष आने दे. Let people be saved. लोगों को सुरक्षित रहने दे. Let people be healed. लोगों को ठीक हो जाने दे. Father, let people be blessed, O God. पिता लोगों को परमेश्वर की आशीषें दे. You are such an awesome God doing awesome work. आप इतने अद्भुत परमेश्वर हैं जो अद्भुत काम कर रहे हैं. Father, let your glory come upon your people, Lord. आपकी महिमा आपके लोगों पर आए. Your works are so majestic. आपके कार्य बहुत ही शानदार है पिता. Father, put your hand upon your children and work in their lives, O God. आप अपना हाथ अपने बच्चों पर रखेंगे और उनके जीवन में काम करेंगे. Let your people not lack in any good thing. सो परमेश्वर तेरी प्रजा को किसी भली वस्तु की घटी ना होने दे. Let your goodness follow the master. अपनी अच्छाई को यीशु के नाम में उनका पालन करने दे. In Jesus name. यीशु के नाम में God bless you, friends. परमेश्वर आपका भला करे दोस्तों.